अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स से रेलेवेंट है। हमने टैक्स को किस तरह से यूज करना है इसके ऊपर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क, इन चारों की नेचर डिफरेंट है, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोगों ने यूज किया है अपने इस टैक्स के लिए। जो पहले वाली दो लेयर्स को भी ओपन कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाले टू आपके पास हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप, इन दोनों के क्लिक करने से आपकी लेयर पैनल में आपकी लेयर नई लेयर खुद ही बन जाएगी, उसमें लेयर बनानी पड़ती है। जस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक करो, अब यहाँ पे क्लिक कर दो तो अब देखो वहाँ लेयर खुद ही बन गई है आपकी। और यहाँ पर आप इसको कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, आप लिख दो यहाँ पर डिजाइन, तो ये आपका ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे वाला लिखता हूँ वर्टिकल टाइप, तो अब यहाँ क्लिक करो तो ये वर्टिकली लिखेगा उसको वर्ड। यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा कर लो इसको और यहाँ से कलर चेंज कर लो इसको, तो आपको प्रोमिनेंट वर्टिकल में आपको दिखाई देगा। और मजे की बात, दोनों की लेयर डिफरेंट है, यानी फर्स्ट जो आपके जो दो वाले दो हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल एंड वर्टिकल टाइप टूल, दोनों सूरतों में लेयर खुद बनेगी। वो हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटली टाइप करेगा, वर्टिकल में वर्टिकल टाइप करेगा, जहां कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। नीचे वाले डिफरेंट है, पहले आप ये लिख लो तो फिर मैं उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें अब ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, अब इस टेक्स्ट को आपने अगर चेंज करना है, ये आपकी लेयर सिलेक्टेड है, आपने दोबारा उसी हॉरिजेंटल टाइप टूल में जाना है, इसके अंदर रख के आपने एक दफा क्लिक करना है, तो आपकी वो दोबारा आपको सेक्शन दे सकता है। इसमें आपने एडिट करना है, कुछ और लिखना है, तो आपको एडिटिंग स्टाइल में आपको मूवमेंट में ये कर्सर दे देगा, ठीक। अगर आप वर्टिकल में जाना है तो आपको वर्टिकल ही को सिलेक्ट करके आपको उसके अंदर मूव करना पड़ेगा, और यहाँ से सिलेक्ट करके कलर आपको कोई इसमें से कलर लेना है, ये ड्रॉप पर देखो यहाँ से, तो यहाँ से ले रहे इसमें से कलर लेना, तो यही ड्रॉप पर आप बाहर ले आओगे। आप देखो इस कलर पे क्लिक करो, ये कलर इस पे आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये कलर इस पे आ जाएगा, ये डार्क इस पे ले लो, ये कलर ले लो, उसी आप कोशिश किया करो कि उसी थीम के साथ खेला करो, फिर वो ज्यादा उससे मैचअप ये लाइट मैचिंग हो जाती है, ठीक है, ओके। फिर आपने हॉरिजॉन्टल में आना है, हॉरिजॉन्टल को सेट करके यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से ले, यहाँ बेशक डार्क ले लो, ओके। अब ये बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं लग रहा, उसका पार्ट लग रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे इस टेक्स्ट के अंदर कुछ और वेरिएशंस करनी है, वो क्या है, आप इसको दोबारा सेलेक्ट करते हो सेलेक्शन के बाद, आपके पास ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, फॉन्ट आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐड अप इंस्टॉल करके यहाँ से यूज़ कर लो, जो मर्जी यूज़ करोगे फॉन्ट नीचे वही बनता जाएगा बैकग्राउंड। हाँ, ऑलरेडी ये हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इन फॉन्ट्स को हम लोग नेट से डाउनलोड फोन में जाके फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो, वो बताया सबको मैंने ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हमें डाउनलोड करना है और नेट गूगल में लिखो डाउनलोड फॉन्ट्स, जो साइट्स आएंगी वहाँ जाके आप उनको जो फर्स्ट पेज है उनको कर लो, बाद वाली कर लो, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा आपको डाउनलोड फॉन्ट्स, डा फॉन्ट्स कर लो, ये कर लो, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग जाके। ये इसको बोल्ड करना है आपने सिर्फ बेशो, अब देखो इस हर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसके देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ, और किसी और फोन पर अगर आप जाते हो उसकी शायद इतनी ना हो, बस सिंपल इसमें आते हो इसमें सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी, हर फोन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है। ये आपके फोन का साइज है, ये आपको जो फोन का आपको जो है ना एजेस है उसको आपने शार्प नहीं रखना, क्रिस्पी नहीं रखना, आपको स्मूथ रखना है, स्मूथ बेसिकली आपका जो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है इसको आपने स्मूथ रखना है, शार्प क्रिस्पी स्ट्रॉन्ग स्मूथ रखना, ये उसके एजेस जो होते हैं ना एजेस कॉर्नर से जो उसको सेट करता है, ये बहुत डिटेल देखें फिर हमें पता चलता है। फिर अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा लाइंस के अंदर है तो फिर आप उसकी आप अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, हमने सारे लाइनों को लेफ्ट करना है, सब हम लाइन को राइट करना है, सेंट्रलाइज करना है, उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है क्रिएट रैप टेक्स्ट, इसको आप क्लिक करो आपके पास एक और डायलॉग,
इसकी इसको करने से पहले आपका ये जो फॉन्ट है ये सिलेक्ट होना जरूरी है। खाली आपकी लेयर सेलेक्ट होना का खाली लेयर पे क्लिक करो तो लेयर का सेलेक्ट होना काफी नहीं है। अगर लेयर पे क्लिक करते हो आई थिंक ये फिर भी कर रहे हैं जो लास्ट पर जिनते हैं उनमें आप लोगों को स्टेटस सेट करना पड़ता है। जस्ट आप लेयर को सेलेक्ट करो, आप चले जाओ क्रिएट रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया आपने तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। इन प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट स्टाइल दे रहा है आपको रैप टेक्स्ट के मसलन आपको ये स्टाइल चाहिए तो आप उसको और टॉप करना है कि अपने बॉटम पे जाना है इसको, फिर आप उसको फ्लैग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ्लैग है, ये फ्लैग, उसके बाद फिश स्टाइल, फिश स्टाइल, अब फिश आई, फिश आर, आर लोअर, आर अपर, ऐसे आर लोअर या आर प्योर आर्क और ये नन, ठीक है। ठीक है, उसे इन टैग को बाइब्री करके चेक कर सकते हो। ये सारी आपकी रैप टेक्स्ट, इसका नाम है जी क्रिएट रैप टेक्स्ट, डब्ल्यू आर ए पी ई डी, क्रिएट रैप टेक्स्ट। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि नीचे लेयर को सिलेक्ट करके एक हम और लेयर लेते हैं इस लेयर को, बैकग्राउंड को ना अब लेयर को सिलेक्ट करो तो आप एक और न्यू लेयर ले लो यहाँ से, ये इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से एक न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेने के बाद अब यहाँ से लेते हो जी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपने इस जगह पे आपने एक रेक्टेंगल लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये लगा दिया। इसको आप कलर कौन सा देते हो जी, ये कलर पे क्लिक करो या इसी कोई कलर सेलेक्ट कर लो, वही कलर आपने इसके ऊपर ऑल टैक्स पेज के साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है, कलर फिल कर दिया। इसकी आप थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हो उसमें से वो नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आप क्या करो, लेयर, लेयर स्टाइल, स्ट्रोक, स्ट्रोक में इसी जाके इसकी आउटलाइन दे दोगे, स्ट्रोक, लेयर, लेयर, लेयर स्टाइल, स्ट्रोक, स्ट्रोक में आउटलाइन, लेयर स्टाइल उसके अंदर स्ट्रोक, स्ट्रोक को करो क्लिक तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको अगर साइड पे करते हो देखो बैक पे आपको वो ऑरेंज कलर की लाइन दे रहा है, स्ट्रोक है। अब ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज है, इसको अप्लाई करने से पहले आप कोशिश करोगे आपका डिजाइन जो नेक्स्ट साइड पे आ जाए, इधर कर लो लेयर, लेयर स्टाइल, स्ट्रोक, ये आपका। अब इसको आप करो क्लिक, क्लिक करके आप इनके कलर चेंज कर सकते, कलर कौन सा लगाना है जी, मैंने ये वाला, ये वाला या ये जो भी है, मैंने वाइट लगाना है, ठीक है, ये आपने कर लिया, ओके। फिर कहते हैं इस जो जो आउटलाइन है इसकी विड्थ कितनी देनी है आपने, 1 pixel देनी है कि 2 pixel देनी है, ये आपने 5 pixel देनी है, उतनी वहाँ उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। ये देखो ना बेटा यहाँ, यहाँ जो 5 है ना, अगर उसको वहाँ क्लिक कर दो आप एरो किस चले जाओ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखो, ये देखो, ये ले लिया। देन आपको ये जो अगर 5 है तो 5 आपको इसके इनसाइड चाहिए कि इस बाउंड्री के आउटसाइड पे चाहिए या बाउंड्री के सेंटर में चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए सेंटर में, विड्थ होनी चाहिए 6 pixel। चलो कहते हैं कि आपने जो सेंटर में लगाना है इसका बेंड मोड कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल रखना है कि डिसॉल्व करना है या आपने स्क्रीन में लेना है, ये डिस्पेंडिंग मोड है। अगर इसी को मैं करता हूँ ना डिसॉल्व, अब देखो
क्रिस्पी एजेस संदेश दे रहा हूँ, कॉन्टोर्स दे रहा हूँ, ये है डिजॉल्व। अगर सिंपल चाहिए तो नॉर्मल, उसके बाद आपके पास स्क्रीन है, ओवरले है, सॉफ्ट है, डिफरेंस है, इनको बारी बारी आप चेक करके उनको चेक कर सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो चीज़ें हैं जिनसे इसको कह लो कि डिफरेंट किस्म की आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। तो असल में बैकग्राउंड से जो इमेजेस है ना उसके, उनको भी साथ उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नॉर्मल कर दो। अच्छा, उसके बाद आता है फिल टाइप। आपने कौन सा फिल करना है? आपने सिंगल कलर करना है, कोई ग्रेडियंट देना है, पैटर्न फिल करना है? कलर में तो आप देखो सिर्फ व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, इसको आप ये प्योर व्हाइट कर लो, व्हाइट आ गया। आपको कलर नहीं चाहिए, आपको ग्रेडियंट चाहिए, नहीं ना ब्लैक एंड व्हाइट का कर। अब ग्रेडियंट में जाके आप देखो कह रहे हैं कौन सा ग्रेडियंट लेना। आपने बेसिक में जाओगे तो आपको वही पहला वाला शो करेगा जो आपको ये चाहिए। हाँ, ये सिलेक्टेड है। अब इसको अगर आप चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको ओके कर दिया, देखो इसी लेयर के नीचे ये स्ट्रोक का इफेक्ट आ गया। अब आप इस ब्लैक को क्लिक करके बेशक कोई और जनरेट कर दो इसको, ये ऊपर और आ गया, नीचे आपने ये कर दिया। ठीक है, आपको रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फिर रिवर्स करो, फिर इसमें आप कोई और कलर दे दो। अब दोबारा अपने उसी स्टेटस पे दोबारा वापस जाना है। तो आपने ये स्ट्रोक का इफेक्ट का ये जो बटन है ना, इस पर क्लिक करना तो आपको ये शो कर देगा, उन्हीं प्रॉपर्टीज में वापस चले जाओगे। और यहाँ जाके जब आप चेक करोगे तो ये रिफ्रेश होगा। ठीक है, और ये इसका रिवर्स है, दिस वन अपोजिट चाहिए आपको ऊपर नीचे, और आपको लीनियर चाहिए। अब ये इसकी डायरेक्शन है, आपने किस डायरेक्शन में चाहिए, आपको नीचे ऊपर करना है या राइट लेफ्ट करना है, इसको रिव्यू कर दो। आपका ये चल रहा है, इसका स्केल आपने ज़्यादा करना है या कम करना है। ये जो आपसे मिल रहा है आपसे इसकी बात कर रहे हैं, आपको चाहिए एंगल, आपको चाहिए अगर एंगल में जाना है तो इसको आप एंगल चेंज कर। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड का ये स्केल और ये देखो। ठीक है, इन सब को अभी बड़ी बड़ी अपने चेक करना देन यू विल क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका फाइनल होगा। अगर इफेक्ट स्ट्रोक को यहाँ से इफेक्ट को ऑफ करते हो तो यही ऑप्शन आपकी ऑफ कर देंगे, अगर कम ओके करोगे तो ऑन। हाँ, दोबारा इसमें जाना है, ये इसमें आए कैसे थे, लेयर ले स्टाइल स्ट्रोक यहाँ से आए थे, फिर हमने इसके अंदर जाके स्ट्रोक करके तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज थी, उनमें ये इसका साइज था, ये इसका पोजीशन है आउटसाइड इनसाइड के दरमियान में करना है, ये इसकी ओपेसिटी है, अगर आप इसको लाइट करना चाहते हो ये यहाँ से लाइट हो जाएगी, ओपेसिटी कम हो जाएगी। उसी चीज़ यहाँ से ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट करके जो ऑलरेडी यूज़ की ओवर है आप और भी लेना चाहते हो और भी। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्टाइल है कौन सा चाहिए आपको, रिफ्लेक्टेड एंगल लीनियर वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दो, और आपके पास दूसरा ये टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये भी जो आपका टेक्स्ट है ये टेक्स्ट आप ये आप इस टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, जो लास्ट में बताया था आपको, इसको सेलेक्ट करो, राइट माउस क्लिक करो, कॉपी लेयर स्टाइल, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, राइट माउस क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल, हो सकता है इस पर टेक्स्ट ना लगे क्योंकि बुरे लगेगा, पेस्ट लेयर स्टाइल, उस पर स्टाइल को वो पेस्ट कर दो, इसी पर डबल क्लिक करो स्माइल स्ट्रोक के ऊपर। इसको आप क्या करो, इसको आप करो सेंटर नहीं करो, इसको कर दो इनसाइड, इनसाइड अंदर वाली साइड पर है और आउटसाइड बाहर वाली साइड पर, आपको दिखा नहीं दोनों में सिर्फ एक में इसमें इसका सेकंड किया है तो आपको आउटसाइड ही ऐसा लगेगा। हाँ, उसको कॉपी किया ना मैंने, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। हाँ जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम
ये जो मैंने एरिया डेवलप किए थे यहाँ पर, ये वाला यहाँ मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना मुझे ना इसके ऊपर दे दे। अब देखो जैसे मैं ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट क्लिक करता हूँ लेयर खुद ही सेलेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से ऑटो सेलेक्ट की वजह से, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से ले लो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इस लेयर से ये लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, इससे अभी ऊपर काम करना। यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया है, यहाँ से कलर आपने ले लिया है वाइट, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज आपने कर लिया है 14-12, चलो 14 कर लो आप, और इस रेक्टेंगल के अंदर रख के आपने एक और रेक्टेंगल लगाना है इसी टेक्स्ट के साथ, तो वो इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ टाइप करके दे देगा। जस्ट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट टूल, ऑटोमेटिकली आप टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, इसको रिप्लेस कर दो, आप कोई और इसके अंदर लिख लो टेक्स्ट जो भी आप इसके अंदर लिख सकते। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल ए लेफ्ट ऑल, दिस इज सेंटर राइट के लेफ्ट कहाँ चाहिए आपको। अब इसके अंदर मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रही है जी, इसको कहते हैं हम लोग टोगल द करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल्स, यहाँ पैराग्राफ और इसके टेक्स्ट की पूरी सेटिंग है, इसको क्लिक करो, ये मेरे पास आ गया। यहाँ जाके आपके पास ये ऑप्शन आ रही है पैराग्राफ, और इसके अंदर ये आ रहा है कंट्रोल डी, जस्ट आपकी की चलती है एमएस वर्ड के अंदर, ओनली एमएस वर्ड या पावर पॉइंट एक्सेल में नहीं चलती, नहीं नहीं उसको वो इधर उसको ना यूज करो। ठीक हो गई थी, ये हमने ओपन किया है इसके साथ टॉगल करैक्टर, ये करैक्टर पैराग्राफ का आपका पैनल है, करैक्टर एंड पैराग्राफ दोनों इकट्ठे हैं। करैक्टर एंड पैराग्राफ आपका ये इकट्ठा है, यहाँ पर आपको दे रहा है ये कि आपने पैराग्राफ में जस्टिफाई कर दिया, फिर इधर आ जाओ करैक्टर में, करैक्टर्स में आके आप इनकी यहाँ से ये आपके पास है लाइन स्पेसिंग का ये चीज, अब फिलहाल 10 कर दो। अब देखो 10 को आप क्लिक करके ना एरो की आप करो, ये इसको इंक्रीज कर रहे हैं, अब ये लाइन स्पेसिंग इंक्रीज कर रहे हैं, ये लाइन स्पेसिंग को कम कर रहे हैं, और आपको फील हो रहा है कि यार ये बहुत थिक है, ये बोल्ड को आप कर दो जी नॉर्मल रेगुलर, ठीक है ये रेगुलर आपने कर दिया। अच्छा ये आपका फोन लाइन स्पेसिंग आ गई, अगर आप ओके करते हो तो आपका एक बैकग्राउंड पे आपका टेक्स्ट चल रहा है और उसके ऊपर आपका ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके साथ इसको इन प्रॉपर्टीज को मजीद देखने के लिए मैं आ रहा हूँ इसी टेक्स्ट के साथ, तो मैंने डिजाइन को सेट कर लिया, ये मेरे पास ऑप्शन आती है जी करेक्टर स्पेसिंग, ये देखो दिस इज करेक्टर स्पेसिंग, हाँ ये करेक्टर स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग था, ये करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, अभी 100% पर है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ 0 पर, और ये जो परसेंटेज 150/100 है, ये देखो कैसे इंक्रीज करते जाऊँगा, वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, उसको स्ट्रेच में स्पेस में फर्क है, स्ट्रेच उस पूरे वर्ड को खींच रहा है, लेकिन आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, इससे इसकी प्रपोर्शन खराब हो जाएगी। 100% ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका फोन साइज यहाँ से भी कर सकते हो, ये आपका मैच ये फोन साइज, ये लाइन स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ करके देख लीजिए, ये आपका वर्टिकल स्ट्रेच है, ये अगर इसको हम करते हैं ना 150, अब देखोगे कि वो उसको फोन वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा, इसको आपने आई थिंक नहीं छेड़ना 100 पे रहने देना, ठीक है। हाँ अब अगर इसको जी को सेट करते हो
यहां से आगे इसकी पोजीशन चेंज करते हो तो ये सिर्फ जी को ऊपर लेके जा रहा है, दैट इज करैक्टर पोजीशन। हाँ जी, अच्छा इस फोन के साथ हम लोग ना डिफरेंट टेक्सचर्स करके देखते हैं इसके अंदर। इसको आप सिलेक्ट करो, यहाँ से फोन आप चेंज कर लो जो आपको समझ आती है कि थिक फोन लेना है, बारीक लेना है, कौन सा लेना है। और इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं ट्रैक करके मैं ड्रॉप करके ये खत्म कर दूँगा, सिर्फ सिंपल टेस्ट है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी लेयर को सिलेक्ट करो जो ध्यान से देखना आपको, इसी लेयर को आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल को प्रेस करके अपने लेयर के आइकन पर क्लिक कर दिया। और इसके लिए अगर हम लोग दूसरा इमेज यूज़ कर लें ताकि और आपको बेहतर समझ आ जाए, मैं दूसरा इमेज ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, डिफरेंट इमेज ले रहा हूँ इसके लिए, अब ये इमेज खुल ही नहीं रहा। अच्छा अब वो जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं उठा के ड्रैग करके इस पर आके ड्रॉप कर देता हूँ, ये आपका टेक्स्ट आ गया, मैंने यहाँ रखा नीचे कार्पेट के ऊपर, या यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रखो। अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को आप करो कंट्रोल क्लिक ऑन द लेयर आइकन, तो वो आपका टेक्स्ट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट पर क्लिक करके उसको आपने ब्लिंक करवाया है, आपने इस लेयर को ऑफ कर देना है, नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट कर देना, फिर आपने यहाँ से करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपने इस जगह पे ये टेक्स्ट जनरेट कर, आपने इस कार्पेट में से वो टेक्स्ट निकाल दिया। अब हमने सेलेक्ट की है नीचे वाली लेयर, ठीक है, और ये आपको सिर्फ इमेज है जो ऑब्जेक्ट लेयर है। उस सिलेक्शन के बाद अब यहाँ जाओगे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क एंड वर्टिकल टाइप मास्क, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करो, उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे क्लिक किया तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन का कलर चेंज हो गया। अब आपने जस्ट टेक्स्ट लेयर, कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, आप लिखते हो एल यू एक्स यू आर वाई लग्जरी, लग्जरी लिखने के बाद आपने जैसे मूव टू को क्लिक किया तो वो एरिया आपका पिंक होना शुरू हो गया, ठीक है, वो पिंक होना शुरू हो गया, लेयर नहीं बनेगी। अब इसको आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये जिस लोकेशन पे ये है आपको इधर ही इसको चाहिए, या आपको इधर ही चाहिए, या इसकी लोकेशन आपने चेंज करनी है। तो अगर तुम्हें लोकेशन चेंज करनी है तो आप देखो आपके पास मूव टू सिलेक्टेड है, अगर मूव टू के साथ करोगे तो इतने हिस्से की कटिंग करके वहां से निकाल देगा, और जो कलर वो दे रहा है जो आपकी बैकग्राउंड में शो हो रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको लेते हो लेसो टूल से या मार्की टूल से, लेसो टूल से लोगे तो इस सिलेक्शन को दरमियान से पकड़ के उसकी जगह चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ लेसो टूल, अदरवाइज इफ यू विल यूज द मूव टूल देन इट विल कट फ्रॉम दैट लोकेशन। अब क्या करो, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपने इस जगह से एक नया टेक्स्ट निकाल लिया।